हमारे बच्चे को छोड़ दे, हमारा बेटा निर्दोष है। घर से बता के गया था मम्मी 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं आ जाऊँगा वापस 2 दिन के बाद, फिर गाड़ी चलाऊंगा आके। कहा था मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ दिल्ली, बोले मम्मी काम से जा रहे हैं आ जाएंगे हम। मेरा एक ही बेटा वो रिक्शा चलाता था और कोई कुछ नहीं, बस वो देशभक्ति के बारे में बात करता था, बस इसी बारे में। आपका बेटा कल संसद भवन में कार्रवाई के दौरान कहीं ना कहीं व्यवधान पहुंचाया, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे को फंसाया गया है, वो हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो रिक्शा चलाता था। एक ही बेटा है मेरा, वो मेरा सहारा है, वही मेरा सहारा है। वो मेरा बच्चा निर्दोष है बिल्कुल, उसको फंसाया गया है। कौन लोगों ने उसे फंसाया होगा? अभी हम नहीं जानते, किसी ने तो फंसाया है उसको। वो बिल्कुल निर्दोष है, मेरा एक ही बेटा वो रिक्शा चलाता था और कोई कुछ नहीं, बस वो देशभक्त के बारे में बात करता था, बस इसी बारे में। वो बहुत अच्छा लड़का था। क्या आपको लगता है लोगों ने उसे फंसाया है? हाँ जी बिल्कुल फंसाया है। जिन लोगों के साथ वो कल घटना करता है, क्या उन लोगों को वो पहले से जानता था? क्या फोन पे बातें होती थी? इस बारे में नहीं पता हमें, मगर हमें ये पता है कि वो निर्दोष, वो फंसाया जा रहा है मेरा बेटा। कैसे कह सकती हैं आप निर्दोष है? क्योंकि वैसा उसने कभी नहीं किया ऐसा कुछ। क्या आपको लगता है गलत संगति में आके या उसके ब्रेन वॉश कर उसके दिमाग में कुछ चीज़ों को भर के ऐसा घटना को अंजाम दिलाया गया है? हाँ ऐसा हो सकता है कि गलत उसके दिमाग में किसी ने भर दिया हो, ऐसा हो सकता है, मगर वो ऐसा है नहीं। और क्या कहना है, क्या अपील करना चाहेंगी सरकार से? हमें बेटे को छोड़ दे बस, वो निर्दोष है, वो मेरा एक ही बेटा। कभी वो फ़ोन पे क्या ऐसे वीडियोस को देखता था या किसी से वीडियो कॉल या फ़ोन पे ऐसे बात करते आपके सामने नजर आया हो? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं करता था, बस गलत कोई बात नहीं करता था, बस जो उसको टोके। घर से क्या बता के गया था? घर से बता के गया था मम्मी 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं आ जाऊँगा वापस 2 दिन के बाद, फिर गाड़ी चलाऊँगा आके। कहाँ बता के गया था वो? कह रहा था मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ दिल्ली जाने। तो आपने पूछा नहीं कि दिल्ली क्यों जा रहे हो? पूछा था तो बोला मम्मी काम से जा रहे हैं आ जाएंगे हम। क्या काम बताया था उसने? दोस्तों से मिलने के लिए बोला था, आ जाऊंगा। किन दोस्तों से मिलने? अब उनके बारे में हम जानते ही नहीं, उनसे मिले भी नहीं हम। तो घर से क्या वो यहाँ से पूरी तैयारी के साथ गया था, कपड़े अपने साथ, क्या उसको जाते वक्त आपने कुछ दिया था? जाते वक्त हमने कुछ नहीं दिया उसको, वो गाड़ी चलाता था, उसके पास पैसे थे। घर से कुछ बना के आप दी थी वास्ते के लिए, सफर के लिए? नहीं कुछ नहीं दिया उसको। कितना कमा लेता था एक दिन में? 500 रुपए, 600 रुपए कभी ऐसे। दूसरे की गाड़ी चलाता था कोटे पे।